Hello everyone, my name is Sharad and I am CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi, 6 times 99 plus percentiler aur ye mere pichle 4 attempts of CAT hai unki percentile hai. I am going to answer a question under the series You Ask, We Answer. This question is of geometrical probability asked by Sam. Question kya hai? The Mukhiya of the village Rampur couldn't solve the 40 year old land dispute case. This disputed land was about 100 acre in size. Person P and person Q both were claiming the entire land. In the end, the Mukhiya decided to arbitrarily divide the land between P and Q, and surprisingly, both of them agreed. But person Q had bribed the Mukhiya with the promise of 20% of price of land if he received bigger share. Find the probability that Q gets twice as much as P or more. So, sirf aur sirf ye wali line important thi aur baki sab kahani hai. Theek hai? तो अगर Q को P से दुगना या उससे ज्यादा चाहिए, यानी कि Q की वैल्यू एटलीस्ट 2P के बराबर होनी चाहिए, तो हमारे पास अगर टोटल P प्लस Q करें तो 3P इक्वल्स टू लैंड विच इज 1, लेट्स से, सो P इक्वल्स टू 1/3 एंड Q इक्वल्स टू 2/3. अब ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें Q की वैल्यू 2/3 भी हो सकती है और 2/3 से थोड़ी ज्यादा हो सकती है और थोड़ी ज्यादा हो सकती है और थोड़ी ज्यादा हो सकती है टिल 1, कुछ भी हो सकता है. तो अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं, लेट्स से ये हमारी लैंड है, ठीक है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है. इस डायरेक्शन से हम जो भी पॉइंट मानेंगे, मान लो हमने ये पॉइंट माना, तो यहां से जितना भी डिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो P का हिस्सा हो जाएगा और यहाँ पे जितना डिस्टेंस होगा वो Q का हिस्सा हो जाएगा. सो दैट इज हाउ वी विल डिसाइड द डिविजन ऑफ द लैंड. अब ये कह रहा है कि Q की वैल्यू 2/3 तो होनी ही चाहिए. प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये भी समझ लो. प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. तो फेवरेबल केस क्या है? Q की वैल्यू 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए. Q को ये बोला है, बट पर्सन Q, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट Q गेट्स ट्वाइस एज मच एज मोर देन दिस. तो अगर Q को 2/3 से ज्यादा होना है, इसका मतलब अगर मैं डिवीजन करूं तो अगर ये पूरा 1 है, लेट्स से दिस इज द 2/3 मार्क, तो यहां तक तो पी को क्यू को होना ही पड़ेगा, तभी वो फेवरेबल केसेस में होगा. इस जगह पे क्यू को होना ही पड़ेगा, राइट? इसके आगे क्यू हो सकता है, कहीं पे भी जाए. अब ये मार्क जितना भी इधर की तरफ खिसकता चला जाएगा, क्यू को उससे ज्यादा ज्यादा लैंड मिलती जाएगी, बट ये सारा का सारा केस फेवरेबल में आएगा. इसका मतलब है कि Q अगर इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, या फिर या मैं ये बोलूं कि ये जो पॉइंटर है ये इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, तो उस केस में Q विल हैव मोर देन ट्वाइस ऑफ P. तो ये लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस क्या है? दिस इज 1/3 ऑफ द लेंथ एंड टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1. फेवरेबल है 1/3, टोटल है 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3 into 1, that is 1/3. So the probability that Q gets twice as much as P or more is 1/3. So geometrical probability, इस तरीके के questions होते हैं. Geometrical probability के और भी questions होते हैं कुछ. I'll try to find those questions and I'll try to create videos of those questions as well. So जब भी मैं बनाऊंगा, मैं इस video को भी tag कर दूंगा. This question is answered under the series You Ask, We Answer, wherein we are solving every question that we get. And we are providing video solution along with the concept. तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, if you think that it is something good for you, please like, share and subscribe. And press the bell icon so that you do not miss on any of the videos. And guys, keep asking. हमारे Facebook group, Telegram group और WhatsApp group के link description में है. So you can join via those links and you can ask your questions there as well. Thank you guys.